उत्तराखंड के लगभग 15,000 स्कूलों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक चिट्ठी ने प्रदेश के सरकारी प्राइवेट स्कूलों और मदरसों को दिए जाने वाली वित्तीय मदद रोकने की चेतावनी दे दी है। ये वो स्कूल हैं जिन्होंने अभी तक अपने आंकड़े और जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की है। उत्तराखंड में लगभग 24,000 स्कूल हैं, इनमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ मदरसे भी शामिल हैं। ये आंकड़े राज्य के शिक्षा निदेशालय के हैं, लेकिन केंद्र सरकार की वेबसाइट SDMIS से ये आंकड़े गायब हैं। लगभग 9,000 स्कूलों ने ही बच्चों और शिक्षकों से जुड़ी जरूरी जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के SDMIS पोर्टल पर अपलोड की है। बाकी संस्थानों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लापरवाही बरतने वाले स्कूलों में प्राइवेट स्कूल सबसे ज्यादा हैं। मदरसों की ओर से भी ये लापरवाही बरती गई, इसलिए केंद्रीय मंत्रालय ने एक नोटिस राज्य के शिक्षा विभाग को भेजा है। इसमें कहा गया है कि अगर 31 मार्च तक पूरी जानकारी नहीं दी गई तो आगे की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार सिर्फ उन्हीं स्कूलों और छात्र संख्या के आधार पर वित्तीय मदद देगी जिन्होंने अपने सारे आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध कराए हैं। ऐसा न करने वाले सरकारी प्राइवेट स्कूलों और मदरसों की फंडिंग रोकने की चेतावनी दी गई है। केंद्र की चेतावनी के बाद अब हर तरफ खलबली मच गई है। केंद्र सरकार की तमाम स्कॉलरशिप योजनाओं के साथ मिड डे मील का बड़ा बजट भी राज्य सरकार को मिलता है। ऑनलाइन डाटा अगर पूरा सही सही अपलोड कर दिया गया तो उम्मीद है कि बजट के बंदरबांट और फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।